कल पढ़े थे कि वलय के कारण एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी वैल्यू कितनी निकाले थे, इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए, किसके वजह से फील्ड है, वलय के कारण, उसी को रिंग कहते हो, क्या कहते हो, रिंग कहते हो, ठीक है। या इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या, 1/4πε0 क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। दोनों एक ही चीज है, बुक अब देख के नहीं कहना कि मतलब ये तो ऐसे है और बाकी इस पार का, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। अब इसमें अप्लीकेशन देखिए कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। देखिए मान लो कि अगर एक हमें रिंग ले लिए, क्या ले लिए, रिंग, इसका रेडियस कितना ले लिया जाए, कैपिटल आर, ठीक है। यहां पर हमने ए, इस पे जो चार्ज है वो मान लो कितना दिया गया है, क्यू, इस पे जो चार्ज वितरित है, आवेश वितरित है, वो कितना है, कैपिटल क्यू है, क्या है, कैपिटल क्यू, ठीक है। यहां पर आप ले लो क्या, माइनस सेंटर पे इसके क्या ले लिया जाए, क्यू मास एम, माइनस क्यू, और इसमें क्या है कि अगर मान लो कि इस चार्ज को, इस चार्ज को इसके एक्स, हमने एक्स डिस्टेंस कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पर इसको रिलीज किए, एक्स डिस्टेंस पर हम यहां तक लाए इसको, किसको, इस आवेश को, ये बताओ ये तो माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो अब यहाँ पे बताओ इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, भाई जब प्लस चार्ज है और एक्स डिस्टेंस पे लोगे तो इसके वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा, और इस चार्ज को जब यहाँ पे लाओगे तो इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया, किसके, वलय के, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस पे एक बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, बाहर की तरफ, लेकिन माइनस आवेश के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ, अपोजिट होगा, समझ पा रहे हो ना, तो उस दिशा की वजह से क्या होगा, जैसे यहां लाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फिर यहां पे आएगा, फिर ऐसे क्या होगा, ये मोशन करना शुरू कर देगा, गति करना शुरू कर देगा, और यहां पे कौन सी गति हो जाएगी, दोलन गति, तो उस दोलन गति की आवर्तकाल कैसे निकालोगे, तो फिर पहले बात, सबसे पहले आप ध्यान देना है कि इस वलय के कारण यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र होगा ई, क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ई, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। अब इस वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश क्यू रखोगे तो उस पर एक बल लगेगा, और उस बल का मान क्या होता है बताओ, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू एम इक्वल टू ई हो जाएगा ना, एफ इक्वल टू क्यू ई पढ़े होगे, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर लग रही है और बल किधर लग रहा है, इधर, तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर देते हैं, एफ नेट यानी एफ जो फोर्स लगा वो क्या लगा बताओ, माइनस ई की वैल्यू रखो के क्यू, और चार्ज कितना है क्यू, यहां पर रख दो क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स, अरे ई हो गया बाकी क्यू हो गया, ठीक है, या फिजिकल टू माइनस के क्यू क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 3/2, ये हो गया आपका बल का मान, यानी या फिजिकल टू इसको क्या लिख सकते हो, ए, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ए आपका ए फोर्स हो गया और बाकी ए एक्स हो गया, बाकी आप ये फिजिकल टू क्या पढ़े हो, के इंटू एक्स, दोलन गति में आप पढ़े हैं कि या फिजिकल टू माइनस के एक्स होता है, तो इसमें तुलना करोगे तो देखोगे के की जगह क्या है, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज ध्यान रखना है, यह जो एक्स आप रिलीज किए हो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म दूरी तक आप रिलीज किए हैं, कहां तक किए हो, बहुत छोटा दूरी तक, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो एक्स जो है वो बहुत ही छोटा है, किससे, आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटा है, तो जब बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू और छोटा हो जाएगी और उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एफ इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे, माइनस के क्यू क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर पे 3/2, तो स्क्वायर कैंसिल क्या बच गया, आर क्यू, ठीक है,
ये हो गया आपका सेकेंड, और इसको ले लो क्या फर्स्ट। दोनों से अगर तुलना करिए, तुलना करोगे तो के की जगह क्या मिलेगा, के क्यू क्यू अपन आर क्यू इंटू एक्स, इसके तरह है कि नहीं है। जब इसके रूप में कोई भी समीकरण मिल जाए तो आप कहेंगे कि वो सरल आवर्त गति का समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण है। या फिजिकल टू माइनस के एक्स, देखो उसी फॉर्म में है कि नहीं है, ये पूरा आपका किसकी वैल्यू है के का। बाकी आप सरल आवर्त गति के समीकरण में आवर्त काल का फार्मूला क्या पढ़े हो, टू पाई अंडर रूट एम अपान के, एम अपान के। तो टी इजकल टू टू पाई अंडर रूट एम, और के की वैल्यू ये पूरा रखोगे के क्यू क्यू के क्यू क्यू या के क्यू क्यू अपान आर क्यू, आर क्यू कहाँ आ जाएगा ऊपर, यही आपका क्या निकल गया आवर्त काल का सूत्र। माइनस तुलना करोगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है, केवल के की वैल्यू होगी। तो टी इज कल टू टू पाई अंडर रूट एम आर क्यू अपन के क्यू क्यू। बाकी अगर वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट भी रखते हो, देखो इसका एक फार्मूला और आ जाएगा इस फार्म में भी, ध्यान दो। टी इज कल टू अगर यहाँ पे वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और टू पाई को अंदर ले जाओगे तो वो भी फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझे। चलो एक स्टेप लिख देता हूं यहाँ पे, टू पाई अंडर रूट इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन क्यू क्यू हो जाएगा, क्यू और क्यू हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू ऊपर आ गया। या इसी को क्या लिख सकते हो बताओ, टू पाई अंदर ले जाओगे तो फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा, टू पाई किसी भी चीज को जब रूट के अंदर ले जाते हो तो स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर होता है तो बाहर आता है तो स्क्वायर हट जाता है। तो एक चीज बताओ, जब इसको अंदर ले जाओगे तो टू का स्क्वायर करोगे तो फोर हो जाएगा, फोर का फोर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया सिक्सटीन, ये पाई स्क्वायर अंदर ले जाओगे तो पाई क्यू एम आर क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू। अगर मान लो ये भी क्यू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहां लिख दो, एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन क्यू क्यू। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर ये भी क्यू होता है स्मॉल क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाता क्यू स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इस रूप में भी दिया रहता है क्वेश्चन में, और इस फॉर्म में भी दिया रहता है, इस रूप में भी दिया जा सकता है, इसलिए हाँ जितना ब्रेक करके तोड़ लो उतना ही आप लिख लेना चाहिए। क्या लिखिए, लिखिए यदि यदि माइनस क्यू कूलम चार्ज को नहीं, हाँ माइनस क्यू कूलम चार्ज को, माइनस क्यू कूलम चार्ज को वलय के एच में, वलय के एच में एक्स इज लेस देन, ऐसे लिख लो एक्स इज लेस लेस देन आर, दूरी विस्थापित करके छोड़ने पर प्राप्त दोलन का आवर्त काल ज्ञात कीजिए, आवर्त काल ज्ञात कीजिए, प्राप्त दोलन का आवर्त काल ज्ञात कीजिए, प्राप्त दोलन का आवर्त काल ज्ञात कीजिए।